वेलकम टू द देसी कार चैनल। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स आने वाले 19 दिसंबर को नेक्सॉन ईवी को अनवील करने वाली है। ये गाड़ी टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। आज इस वीडियो में हम नेक्सॉन ईवी की लीक्ड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये गाड़ी नेक्सॉन फेसलिफ्ट के ऊपर बेस्ड होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी के लुक्स सामने से बहुत हद तक करंट जनरेशन नेक्सॉन के जैसे ही लग रही है, लेकिन चेंजेस करने के लिए कंपनी ने इसमें फुल एलईडी हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स दिए हैं। इसके साथ साथ फॉग लैम्प क्लस्टर को भी रीडिज़ाइन करके एक नया लुक देने की कोशिश की गई है। इसके साथ बोनेट, फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर में भी आपको नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इस गाड़ी का व्हील बेस करंट जनरेशन नेक्सॉन के जितना ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाकर अब 215 mm कर दिया गया है, जो कि करंट नेक्सॉन में अभी 209 mm है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियर प्रोफाइल में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है चेंजेस के लिए रियर बम्पर में आपको कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएं। गाड़ी के सबसे मेन कंपोनेंट यानी कि बैटरी की बात करें तो ये टाटा मोटर्स की पहली गाड़ी होगी जो नई जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, जिसमें आपको बैटरी कार के फ्लोर के नीचे मिलेगी। और फ्रेंड्स, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जिससे कि गाड़ी की बैटरी लाइफ एक्सटेंड होगी और आपको सालों साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 28.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करेगा, जिससे कि 129 bhp की पावर और 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। चार्जिंग फैसिलिटी के लिए आपको 15 एम्पियर के एसी सॉकेट में नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी, मतलब कि आप अपने घर के नॉर्मल प्लग से ही इसे चार्ज कर पाएंगे। फुल चार्ज होने में लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे, जबकि डीसी फास्ट चार्जर से, जो कि फ्यूल स्टेशंस में होगा, इसके थ्रू आप इसे एक घंटे में ही 80% तक चार्ज कर पाएंगे। टाटा मोटर्स का कहना है कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी। इसके साथ टाटा ने यह भी कहा है कि बैटरी पैक एक हाई स्ट्रेंथ स्टील केसिंग में आएगी, जो कि IP67 रेटेड होगा और लिक्विड कूलिंग को भी सपोर्ट करेगा, मतलब कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ ठंडा रखने का भी पूरा जुगाड़ किया है कंपनी ने, जिस वजह से कंपनी इस बैटरी पे 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देने का वादा किया है। बाकी अब फीचर्स की बात करें तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करंट नेक्सॉन के जैसे ही नेक्सॉन ईवी में भी आपको 7 इंच फ्लोटिंग टच डिस्प्ले मिलेगा विद कनेक्ट नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके साथ साथ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, 6 एयरबैग्स और हारमन का म्यूजिक सिस्टम। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी चेंज किया जाएगा, जैसा कि अभी टाटा हैरियर में आता है, जो कि पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग होगा। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, फ्यूल कैप के अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। नेक्सॉन ईवी के मोस्ट लाइकली सिर्फ दो ही वेरिएंट्स आएंगे। हायर वेरिएंट्स में आपको ऊपर बताए हुए सारे फीचर्स मिलेंगे, जबकि लोअर वेरिएंट्स में प्राइस कम करने के लिए कुछ फीचर्स को कट कर दिया जाएगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो अभी तक जितनी भी डिटेल्स मिली है उसके मुताबिक टाटा नेक्सॉन ईवी 15 से 17 लाख रुपीस के बीच प्राइस की जानी चाहिए। एक्चुअल प्राइसिंग कितनी होगी ये तो लॉन्च के टाइम ही पता चलेगा। टाटा मोटर्स इसे पब्लिक लॉन्च फरवरी 2020 में कर सकती है। कुछ समय से कई जगह पर नेक्सॉन ईवी को टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें टाटा नेक्सॉन ईवी को मनाली से लेह टेस्ट रूट के एडवांस कंडीशन पे टेस्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है इस एसयूवी का। टाटा नेक्सॉन ईवी की मेन कंपटीटर एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, जो कि अगले साल 2020 में लॉन्च होगी। नेक्सॉन ईवी के बाद कंपनी अल्ट्रोस के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भी लॉन्च करेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।